भी चाइना के पार्लर का टूर, चाइना के पार्लर और पाकिस्तान के पार्लर का माहौल बिल्कुल चेंज होता है। पाकिस्तान में एक बड़ा सा लॉन्च टाइप का एरिया होता है और एक वक्त में बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। चाइना में इस तरह का ट्रेंड जो स्टैंडर्ड वाले पार्लर है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल रूम होते हैं, सिर्फ जो लोकल पार्लर्स हैं वो, उनमें इस तरह का माहौल होता है चाइना में। तो चलते हैं पार्लर का टूर करते हैं। मैं इस रूम में आ गई हूँ, थोड़ी देर में टूर भी करवाती हूँ। पहले मैं अपनी चीज़ें रख दूँ क्योंकि आज मैंने फीट मसाज करना है और साथ आप लोगों को टूर भी करवाना है। यहाँ सामान रखते और दूसरा जो चाइना के जो पार्लर की जो सर्विसेज होती है ना वो भी बिल्कुल चेंज होती है। मैनीक्योर पेडीक्योर जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी मेरे दिमाग में पाकिस्तान वाला ही था, लेकिन जब मैंने यहाँ की ली तो यहाँ की बहुत अच्छी होती है। और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इशू को भी ये मसाज के ज़रिए सॉल्व करते हैं और रिजल्ट होता है। मैंने खुद ट्राई किया है। मैं पहले बीमार थी, मेरे यहाँ गुठली बनती थी, बहुत दर्द होता था, फिर मैंने यहाँ की मसाज सर्विस से ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व करवा लिया था। चाइनीज़ों को पता होता है कि कौन सी वेंस प्रेस करने से कौन से पार्ट पर असर पड़ेगा और कौन सी बीमारी ख़त्म होगी। तो चले पार्लर का टूर स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुर्सी बड़ी कन्वीनियंट है, इसमें सर रखने का वो भी है, सर लेट सकता है, मसाज के वक्त। और यहाँ पे ये इसके फायदे लिखे हुए हैं। और ये एक दूसरा एक वो है, हाँ फोन कर बा फोन जब एक ही पानी आ गया है मेरा। पहले इसमें पैर भिगोने होते हैं, इसमें हर्बल जड़ी बूटियाँ डली हुई होती है, उसके बाद फिर ऑयल से मसाज करते हैं, पूरा घुटनों तक मसाज होता है। टीबैग जैसे दूसरा भी आ गया, उमेर का पानी आ गया। उमेर इसको थोड़ा उधर करो, हाँ हाँ एक कप देगी। उमेर का भी आ गया क्योंकि हम दोनों एक फैमिली के मेंबर है ना, इनको पता है हमेशा साथ आते हैं तो हमें एक रूम में रखते हैं। अगर कोई बाहर का हो तो फिर उनको सेम रूम में नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं। चाइना की जो मसाज टेक्निक है वो भी बिल्कुल अलग होती है पाकिस्तान से, तो ये भी एक डिफरेंस है चाइना में। मेरे नहीं ख्याल कि कहीं और इस तरह का मसाज होता होगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है डिफरेंट टेक्निक से इंसानी बॉडी के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, रिलीफ करने के। हाँ मसाज करके बताते हैं, जिससे हमें ये मसला चल रहा है, वेंस टच करने से इनको पता होता है। आज उमेर की तबीयत भी सही नहीं है ना, दर्द भी होता, दर्द नहीं भी बर्दाश्त कर, तेल का कलर बहुत बर्दाश्त नहीं होता इधर। और ये फीमेल है जो मेरे मसाज कर रही है पैरों का।
इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है और यहाँ चाइनीज नाम है। इसके बाहर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये इसकी रिसेप्शन है, यहाँ पे सारे वर्कर वगैरह नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रखी हुई है जिसको सेल करते हैं, कस्टमर लेते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं। वाटर कूलर है और इस तरफ एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। फिर ये सब वाइट ड्रेस में जितने भी हैं सब वर्कर हैं यहाँ के। और इस साइड आ जाएं तो ये पार्लर का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ अलग अलग रूम बने हुए होते हैं हर एक के लिए। ये रूम है जहाँ पे पैरों का मसाज होता है फीट सर्विसेज के लिए, और ये दो लोगों के लिए रूम यूज़ होता है। पिक्चर बनी हुई होती है यहाँ पे। ये एक और रूम है और आगे की तरफ आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत सा छोटा सा एरिया है पार्लर का। ये एक अगर एक सिंगल पर्सन फीट मसाज करने के लिए आए तो ये एक लोगों के लिए रूम है इसमें, इसलिए एक ही काउच डला हुआ है। 7 बज रहे हैं इस वक्त शाम के। और यहाँ पे पूरे पैरों के स्टेप बने हुए हैं और जो एक मशीन से फीट मसाज देते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है सारा। फिर इस साइड आ जाएं तो ये फेशियल रूम है और ये दो लोगों के फेशियल का रूम है। 2 बेड डले हुए हैं, एक बेड येरा एक येरा। और यहाँ पे जो है ये एक पिक्चर लगी हुई है जिसपे स्टेप बने हुए हैं बैक मसाज के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी जो हिस्सों को प्रेस करते हैं ये बैक मसाज में। फिर इस रूम से बाहर आते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसी तरह पूरे लाइन से रूम ही बने हुए हैं। यहाँ कुछ मशीन्स वगैरह रखी हुई है, ये इनकी स्टोर रूम है। बस यहाँ इस तरह से कॉरिडोर में डिफरेंट डिफरेंट रूम है। ये वो रूम है जहाँ एक सिंगल पर्सन के मसाज का रूम है। ये एक रोबोट रखा हुआ है यहाँ पे। ये ट्रॉली है जिसमें ये सारी प्रोडक्ट रख के फेशियल करते हैं, और ये फेशियल की मशीन है और यहाँ पे रोबोट है। सिंगल बेड का रूम है। इस साइड भी यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें बैक मसाज के फ़ायदे बताए हुए हैं। बाहर आ जाए, ये रूम पूरा क्लीन किया हुआ है। ये इस तरह से फूल रखा हुआ होता है कमल का बेड पे, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मशीन है, डिफरेंट डिफरेंट मशीनें यूज़ करते हैं फेशियल के लिए। यहाँ पे एक चाइनीज सीनरी लगी हुई है। ये एक और रूम है, ये वो रूम है जहाँ मैंने अभी अपना फेशियल करवाया था। यहाँ पे भी एक बेड है और पिक्चर लगी हुई है। उसके अलावा ये हाइड्रो फेशियल की मशीन रखी हुई है, साथ एक और मशीन है ये। और यहाँ पे एक रेक रखा हुआ होता है जिसपे कस्टमर अपना पर्स और क्लोथ वगैरह हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइटिंग बड़ी प्रॉपर होती है यहाँ पे। और जो पार्लर की वॉल है ये देखिए कितनी खूबसूरत सी है। चाइना में बस यही है कि बहुत ख्याल रखा जाता है प्राइवेसी का। पार्लर इसी तरह के होते हैं, पूरे सेपरेट सेपरेट रूम होते हैं। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इसलिए हर एक सर्विस के लिए अलग अलग रूम होते हैं। किसी को भी जिस तरह कंबाइंड पाकिस्तान में होता है इस तरह का सिस्टम यहाँ नहीं है। आपको जो भी सर्विस लेनी है प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए एक सेपरेट रूम में दी जाती है। और दोनों आमने सामने रूम्स बने हुए हैं जो मसाज के लिए यूज़ होते हैं। इस वाले कॉरिडोर में फीट मसाज के रूम है, आगे कॉरिडोर में फेस मसाज और बैक मसाज के, क्योंकि खाली सेटिंग चेंज की है। ये किसी और ट्रीटमेंट के लिए होगा। हाँ, इनकी वॉल वगैरह कितनी खूबसूरत है, कलरफुल सी। हाँ, लग्जरी व्यू है। और ये वाला जो एरिया है ये लाइट वगैरह लगी हुई है। ये मुख्य मसाज की मशीन्स है। यहाँ स्टोर रूम है, सारे टॉवल्स। हाँ, टॉवल इस्तेमाल लोग धो के सूखते हैं। ये कवर का ये पाकिस्तान का नेशनल फूल है जैस्मिन।
ये बहुत खूबसूरत होता है जब खिलता है ना, इसका एक मौसम होता है मेरे ख्याल से, गर्मियों में खिलता है फिर एक मौसम बाद झड़ जाता है, फिर इसके अंदर एक चीज़ होती है पाकिस्तान में पहले मिलती थी वो खाने की होती है, इसके काफी सारे नाम होते हैं, खो भी बोलते हैं और पता नहीं दो तीन, हाँ मोली खो भी बोलते हैं। पार्लर का टूर यही खत्म होता है, कैसा लगा चाइना का पार्लर आप बताएं, आप लोग जिन पार्लर में जाते हैं उसमें और इस पार्लर में क्या फर्क था, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।